नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो है स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो हम व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर ही बना रहे हैं। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, जब हम लोग इंडिया में थे ना, जब ट्रिप पे गए हुए थे, तब से आ रही थी कि आप प्लीज वहाँ बोत्सवाना की जो सोसाइटीज होती है, जो फैमिली के साथ जाकर रह सके, वो वाली दिखाइए। तो आज हम आपको वही सब दिखाने वाले हैं, जो भी अच्छी लाइक जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर रह सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में वही देखने को मिलेगा, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हो ना, काफी बड़ी सोसाइटी है। तो यहाँ जहाँ पर भी इनकी सोसाइटी है ना लुइसविल की, तो हम मोस्टली आपको हिंदुस्तानी लोग ही दिखेंगे। तो ये पूरा आपको एक राउंड दिखा दिया है, और अभी इसकी एंट्रेंस आने वाली है। तो ये है, तो यहाँ से ये है एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पे काफी सिक्योरिटी वगैरह रहती है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन कहाँ से आया है ये सब एंड ऑल। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये डुप्लेक्स है ऊपर नीचे। तो ये 3 बेडरूम है, और उधर सामने 2 BHK है, और बीच में बड़ा सा पार्क है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो BHS के यहाँ फ्लैट्स होते हैं ना, टाउन हाउसेस, गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही आता है। तो वो देखिए आप, वो भी काफी बड़े स्प्रेडेड है यहाँ पर, और रेंट वाइज भी सही रहता है। तो अभी हम लोग हैं BHS सोसाइटी में, जो कि है बोत्सवाना हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी। यहाँ के आपको घर में दिखाते हैं, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सारे फ्लैट्स हैं, और इसके ऑपोजिट टाउन हाउसेस हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये टाउन हाउसेस हैं, इसमें ऊपर नीचे रहता है घर नीचे, और अब काफी देखो ट्रैक्टर भी रखा हुआ है किसी के घर में। तो BHS मींस बोत्सवाना हाउसिंग सोसाइटी। तो ये Block 5 के एरिया के आसपास से आता है, और काफी सारे घर हैं यहाँ पर भी, काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अब चलते हैं दूसरी सोसाइटी, आपको दिखाते हैं। इंडिविजुअल हाउसेस क्या रहते हैं ना, कि एक सेपरेट घर रहते हैं, और आपके आसपास फिर व्यू होता है कि बाउंड्री लगी होती है, दूसरा घर में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो थोड़ा सा सेफ्टी वाइज कह लीजिए कुछ भी, तो उसके कंपैरेटिवली आपको जो है, आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लोग भी आसपास रहते हैं ज़्यादा, गेटेड सोसाइटी होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू भी नहीं इतना ज़्यादा होता है। तो हम आपको आज वही सब दिखा रहे हैं, तो देखिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं, एक एक हाउस है और बड़ा सा यार्ड रहता है, तो ये इंडिपेंडेंट हाउसेस यहाँ पर इनको कहा जाता है। और फिर ये एक और सोसाइटी आ जाती है, तो ये भी पूरी आप गेटेड सोसाइटी देख रहे हैं। इसका नेम वगैरह शायद अगर लिखा होगा तो आपको बता देंगे। ये भी ब्लॉक, ये BHC के फ्लैट्स हैं, और जो कि Block 5 में ही आते हैं। तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, दोनों जगह ही है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी सोसाइटी, आपको दिखाते हैं। जो जितना आज थोड़ा बहुत हम कवर कर पाएंगे वो सारी आपको दिखा ही देंगे, बाकी जो नहीं होंगे उनके नेम्स आपको बता देंगे, तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी। तो एक ये है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी फ्लैट्स हैं, ये भी ड्यूप्लेक्स है, Block 5 में ही आता है। फिर आता है Sesigo Muse इन नया। तो ये जो Sesigo Muse है, यहाँ पर हमारी फ्रेंड भी रहती है, एक फिलिपिन फ्रेंड, आपने देखा ही होगा दिवाली वाले ब्लॉग में। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर 2 बेडरूम्स हाउस है, छोटे छोटे हैं, और मैं आपको रेंट का भी यहाँ का इनसे पूछ कर बताती हूँ कि क्या रेंट चल रहा है अभी यहाँ का। तो अभी जब जिस सोसाइटी में हम लोग आए, यहाँ पर आपको 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की फैसिलिटी है, और ये नई सोसाइटी है। यहाँ पर लाइक अगर 1 बेडरूम है तो 3000+ आपको रेंटल देना होगा, अगर आप 2 बेडरूम की तरफ जा रहे हैं तो 5+ होगा, एंड अगर आप 3 की तरफ जा रहे हैं तो 6+ होगा। और ये ज़्यादा आगे मतलब ज़्यादा ही होगा, कम तो मुश्किल ही होता है, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी सी नीट एंड क्लीन है, और पूरा वेल मेंटेन, हाँ पूरा मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, तो ये आपके पास ये एक ऑप्शन भी है, बाकी और भी आपको दिखा देंगे, अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग उस सोसाइटी से आ गए हैं, और वहाँ पर जो रेंटल रहता है ना, वो मेंटेनेंस चार्जेस और सारी चीज़ों को, सिक्योरिटी, वो सब मिलाकर ही होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहता है जब भी आप किसी गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं। और वहाँ पर पार्किंग इशू भी नहीं होता आपको, मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में पार्किंग भी मिल जाती है। और बस अभी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आपको मैं घर जाकर देती हूँ। और ये Block 6 में फ्लैट्स हैं, जो कि यूनिवर्सल स्टेट के फ्लैट।
भी लोग रहते हैं। मैं भी रह चुका और इनफैक्ट ये भी रह चुके हैं शुरू में। ये वाला लोवेल ये ब्लॉक 6 का आता है, तो ये ब्लॉक 6। फाइनली हम लोग अभी घर आ गए हैं। तो जितने हमारे आसपास की लोकेलिटीज जो थी मैंने आपको दिखा दी है, बहुत ज्यादा तो हम नहीं जा पाए, बट हाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लुईविल करके जो सोसाइटीज हैं वो है एक ब्लॉक 6 में, ब्लॉक 8 में, एंड जी नॉर्थ पखलाने में भी है, एंड एक और है जो कि कॉमर्स पार्क में है। तो वहां पर जितने भी घर हैं आपको 1 बेडरूम भी मिल जाएंगे, 2 बेडरूम भी मिल जाएंगे, एंड टाउन हाउसेस भी मिल जाएंगे बड़े छोटे। बस रेंट का आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग प्राइस वही रहेगा। 2 बेडरूम हमारा 5+ से शुरू हो जाता है, 5.5 भी होता है, 5.7 भी होता है, डिपेंड्स करता है क्या। बट हाँ उसमें ये होता है कि इस पूरी सोसाइटी में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, पार्क मिलेगा, पूरी मेंटेनेंस जो रहती है इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी होती है आपके गार्ड्स वगैरह वो सब इंक्लूडेड रहता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप इनिशियली आ रहे हो तो इन किसी सोसाइटी में आप शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद अगर आपको और कहीं नियर बाय कुछ और दिखता है बेटर ऑप्शन तो आप वहां। यहाँ पर 2 तरीके के घर आपको मिलेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट हाउस होता है और आपको फ्लैट्स मिलते हैं, और टाउन हाउसेज होते हैं। टाउन हाउसेज एंड फ्लैट्स आपको किसी भी लोकेलिटी में इजिली मिल जाते हैं, जैसे हमने आपको BHC के दिखाए, BHS के दिखाए, और ऐसे ही लुईविल जो प्राइवेट वो सारी वहां पर आपको अवेलेबल है। इन केस आपको बड़ा सा मेंशन टाइप चाहिए फिर तो आपको इंडिपेंडेंट हाउस लेना पड़ेगा। बट इंडिपेंडेंट हाउस में क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि एक तो बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी बाउंड्री होगी सिक्योरिटी के लिए, आपको या तो अपना पर्सनल सिक्योरिटी या कुछ हायर करना पड़ेगा, और या फिर डॉग्स वगैरह रखने होते हैं। बट उसमें क्या होता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि घर बहुत थोड़ा सा दूर होगा, बाउंड्री होती है ना तो डिस्टेंस होता है, बच्चों को खेलने के लिए ऑप्शंस नहीं मिलते क्योंकि वो अपने में एक ही रहते हैं। अब बाहर तो रोड पर आप नहीं भेजोगे ना। हाँ अगर यही चीज आपकी सोसाइटी में हो तो आपके इधर उधर ऊपर नीचे कई लोग होते हैं बाहर, बच्चों को कंपाउंड मिल जाता है, पार्क होता है, और बच्चों को मिंगल होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर घर में हाउस वाइफ हैं तो आसपास में सब रहते हैं हेल्प के लिए, हर चीज के लिए। लाइक ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि हमें तो लाइक सोसाइटी के जो गेटेड सोसाइटी होती है उसके अंदर रहना ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ये तो अलग चीज है ना। बट मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, जैसे कि हमें काफी साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, तो उस हिसाब से मैं जो बोल रही हूँ मुझे तो गेटेड सोसाइटी ही बेस्ट लगती है, चाहे वो फैमिली के लिए हो, बच्चों के लिए, या फिर आपकी सेफ्टी के लिए हो, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सही रहता है। बट हाँ थोड़ा सा आपको रेंट ऊपर मिलेगा क्योंकि आपको फिर फैसिलिटीज भी उस हिसाब से मिलती है, वो तो आप भारत में रहते हैं तब भी ऐसा ही होता है, तो यहाँ तो अलग चीज है ना, अलग देश है तो उस हिसाब से होता है। तो ये और ये है अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, इंडिविजुअल हाउस में, तो वहां का क्या होता है घर भी बड़ा होता है और रेंट भी आपको शायद सस्ता मिलेगा। बट फिर वही जो मैंने आपको बताया कि थोड़े नहीं वहां के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ आपको टाउन हाउसेस या फिर अगर आपको बड़े घर देखने हैं सोसाइटी के अंदर तो आप टाउन हाउसेस में चले जाइए, वहां का रेंट स्टार्ट होता है। अगर आप ऊपर नीचे 3 बेडरूम देख रहे हो तो 7+ तो होगा ही होगा, 7000 होगा, 7000 टू आपका वेरिएट करता है, 10 भी होगा। अगर आप फुली फर्निश्ड ले रहे हो तो फिर उस हिसाब से आपका कई बार 11 to 20 तक जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटीज में, आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहां दी जा रही है, तो उस हिसाब से फुली फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, वो फैसिलिटीज आपको ज्यादातर मेन मॉल एंड विलेज के एरिया में आपको मिल जाएगा, जो कि फुली और सेमी फर्निश्ड हाउसेज होते हैं, वो भी बहुत इजीली आपको उस साइड दिख जाएगा। यहाँ जो मैंने दिखाया आपको मोस्टली ब्लॉक 5 टूवर्ड्स गेम सिटी ये सब का एरिया है, एंड ब्लॉक 6 में भी काफी है। शुंभा लाला आता है वहां पर, यहाँ पर काफी फैमिलीज रहती है, भारतीय फैमिली, एंड लुईविल तो आप कह लीजिए कि वहां पर 80-90% भारतीय लोग ही रहते हैं, और जहां हम रहते हैं वहां पर भी इतने ज्यादा नहीं है, बट हाँ उधर भी कम है, मिक्स्ड है। तो इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, लाइक रेंटल मैंने आपको क्लियर कर दिया है और सोसाइटीज मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखा दी है, थोड़ी बहुत बता दी है, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं। अगर आपको पर्सनल ऐसे कुछ पूछना हो, मतलब गैबरॉन से रिलेटेड और बोत्सवाना से रिलेटेड, हाँ ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये है
बोत्सवाना की कैपिटल सिटी गैबरॉन की। इसके अलग जो एरिया होते हैं लाइक माउन सिटी है या फिर फ्रांसिस टाउन है, उसका आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं वहां गई नहीं हूँ, मतलब गए हैं बट रहे नहीं है, तो इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं है। तो वहां का अपना अलग रहता है, जैसे पालापे महालापे वो सब का आइडिया मुझे ज्यादा नहीं है। तो ये सिर्फ मैं आपको गैबरॉन सिटी की पूरी नॉलेज जो है मुझे वही दे रही हूँ, और बाकी चीजें डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। लाइक फैमिली छोटी है तो शायद वन बेड में, बैचलर है तो वन बेड में हो जाता है, वन बेडरूम में हो जाता है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो टू बेडरूम में भी आपका सर्वाइव अच्छे से हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है आप वहां वहां जाकर ब्राउज खुद भी कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हैंडल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। निर्भीज ब्लॉग सेम ही है वहां पर भी। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरीज हो तो वो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, अगर आपको कुछ और कंटेंट में वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें लिखिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर वीडियो बना पाए। चलिए बाय बाय।